अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो इशू चल रहा है, अगर सलमान खान इस पे कुछ बड़ा रिएक्ट करता है या रिएक्ट नहीं करता, और या फिर लॉरेंस कुछ रिएक्ट करता है, तो सोचो इन दोनों ही सिचुएशंस में नतीजे एक दूसरे से कितने बड़े और अलग होंगे। कुछ भी रिएक्ट करा तो क्या होगा और रिएक्ट नहीं करा तो क्या होगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आप लॉरेंस को सपोर्ट करते हो या सलमान को, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि सेम इतने बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन हम नॉर्मल लोगों की पर्सनल लाइफ में भी कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि यार मैं रिएक्ट करूँ या रिएक्ट नहीं करूँ। इवन कई बार ऐसा लगता है कि मैंने अगर रिएक्ट नहीं किया तो सामने वाला मुझे कमजोर ना समझ ले। और कई बार रिएक्ट करने के बाद भी घर जाकर रियलाइज होता है कि यार मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो मेरा रिएक्शन ही तो चाहता था और वो मैंने उसे दे दिया। तो अब सवाल ये आता है कि हमें ऐसी सिचुएशंस में आखिर करना क्या चाहिए, रिएक्ट करना सही है या कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वेल, इसका सोल्यूशन साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट वर्ल्ड में ऑलरेडी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, कई फेमस और पावरफुल लोग सही वक्त आने पर करते हैं। तभी फेमस ऑथर चार्ल्स आर स्विंडल का भी कहना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आपकी लाइफ का सिर्फ 10% है, और आप उस पे कैसा रिएक्ट करते हो ये आपकी लाइफ का 90% होता है। तो इसीलिए आओ समझते हैं आपको ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, द डार्क साइकोलॉजी ऑफ रिएक्शन। आपको शायद लगे कि एक रिएक्शन से इतना ज्यादा क्या ही फर्क पड़ता है। वेल, कोई रिएक्ट ना करने की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की एक बार वॉर होते होते रह गई। जब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के कोड तोरखाम को टाइम रहते डिकोड कर लिया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1980s में फिर से एक और बार वॉर होने से रुकवा दी थी एंड मोमेंट पे, जबकि KGB बस इंतजार ही कर रहा था सिर्फ एक रिएक्शन का, सिर्फ एक रिएक्शन और फिर वही होता जो वो चाहते थे। लेकिन अगर इंडिया उस समय द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को ना समझते हुए सीधा रिएक्ट कर देता तो आज हिस्ट्री काफी अलग होती। ये तो हो गया बड़े लेवल पर इम्पैक्ट। आओ समझते हैं इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। असल में ड्वेन जॉनसन का, जिन्हें द रॉक भी कहा जाता है, ये बंदा कमजोर तो कहीं से नहीं है, लेकिन फिर भी ये द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को अप्लाई करता है, क्योंकि रिसेंटली इन्हें एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी ब्लैक एडम को सपोर्ट करने पर बैकलैश और हेट का सामना करना पड़ा। डिफेंसिव रिएक्ट करने की जगह ड्वेन ने सिचुएशन को ठीक से समझा और साइकोलॉजिकली वैसा ही रिस्पॉन्ड किया जो उनके फायदे में हो। तभी उन्होंने उल्टा अपने इस इंटरेक्शन के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करने से उन्होंने पोटेंशियल नेगेटिविटी को कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मौका बना दिया। इस अप्रोच ने उनकी मेंटली टफनेस को दिखाया और इसने उनके फैंस के साथ के कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो यहाँ बात यह है कि जब हम लोग यंग होते हैं और कोई हमें इंसल्ट करता है या नीचे गिराना चाहता है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होती है कि तूने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं तुझे और नीचा दिखाऊंगा, और ऐसे कर करके दोनों नीचे के लेवल पर गिर जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी किसी के इमोशंस और रिएक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा और वक्त आने पर सामने वाले को अपनी कठपुतली बना देगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा मैच्योर होते हैं और लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हैं, तब समझ आता है कि इंपल्सिवली रिएक्ट करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज्यादा गिर जाती है। आप बहुत ज्यादा डेस्परेट और इमैच्योर दिखाई देते हो। वहीं कभी कभी रिएक्ट ना करना आपकी स्ट्रेंथ और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस भी कहते हैं, जो तुम्हारे साथ होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो मैटर करता है। अच्छा, इस इमेज को बहुत ही ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है। अच्छा, हम बता देते हैं इस इमेज के पीछे की रियल स्टोरी। असल में एक बार रियल में कुत्तों की एक रेस हो रही थी और चीता सबसे पीछे बैठा हुआ था, उन कुत्तों को भागता हुआ देख रहा था। लेकिन इस फोटो को देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चीता डर गया, कि वो उन कुत्तों से हार जाएगा वो इसलिए नहीं भाग रहा, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीता इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि उसे पता है कि वो ये रेस आसानी से जीत सकता है, लेकिन वो अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता। उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो कुत्तों से ज्यादा पावरफुल है। और जब इसके ट्रेनर से पूछा गया कि आपका चीता इस रेस में भागा क्यों नहीं, वो क्या सोच रहा था, तब इसके ट्रेनर ने जवाब दिया कि कभी कभी ये साबित करने की कोशिश करना कि तुम बेस्ट हो एक इंसल्ट होती है। अभी आपने इस इमेज को और पूरे इंसिडेंट को एक थर्ड पर्सन की नजरों से देखा और आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि चीते ने रिएक्ट नहीं किया तो वो कमजोर है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम खुद ही को ये समझाने लग जाते हैं कि अगर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे या फिर सामने वाला मुझे कमजोर समझेगा। यही कॉन्सेप्ट बिग बॉस जैसे टाइप के रियलिटी शोज में होता है, जहाँ मेंटली वीक कंटेस्टेंट्स हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं और सामने वाला जानबूझ के उन्हें उकसाता है, उनका रिएक्शन निकलवाता है। कई लोग तो शोज पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जिससे उनका करियर तक खत्म हो जाता है। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं, क्योंकि अगर दूसरे लोग आपके इमोशंस से खेलते हैं तो वो उनकी पावर है और आपकी कमजोरी।
तो क्या हमें कभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए? क्या हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस खड़े खड़े बातें सुनते रहें? वेल, इसका बेस्ट आंसर यही है कि ज्यादातर लोग यहीं आकर फंसते हैं, वो रिएक्शन देना चाहते हैं, जबकि हमें रिएक्ट नहीं बल्कि ऐसी सिचुएशंस में रेस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्शन वर्सेज रिस्पॉन्ड। 2003 का इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया के अग्रेसिव बॉलर ग्लेन मैकग्रॉथ, जो अपने स्लैजिंग के लिए फेमस थे, उन्होंने इंडिया के बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए उन्हें टॉन्ट मारना, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। मैकग्रॉथ ने अपने कमेंट्स और एक्सप्रेशन से सचिन को उकसाने की बहुत कोशिश की ताकि सचिन अपना मेंटल कंट्रोल खो दे, पर सचिन ने क्या किया, कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना फोकस और कंट्रोल मेंटेन रखा और मैकग्रॉथ के स्लैजिंग का जवाब अपने बैट से दिया। आखिर में रिजल्ट क्या निकला? सचिन ने कोई रिएक्ट ना करके बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक शानदार इनिंग्स खेली और वो मैच इंडिया जीत गई। ये था उनका अपने इंसल्ट्स के खिलाफ रिस्पांस। वो अगर तुरंत रिएक्ट कर देते तो वो अपना मेंटल कंट्रोल खो देते, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम चाहती थी, लेकिन सचिन ने रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड किया। आपको भी रिस्पॉन्ड करना सीखना है, ना कि कमजोरों की तरह रिएक्ट करना। एक रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में एक बेसिक फर्क होता है। रिएक्शन अनकॉन्शियस होता है, वो बस तुरंत आपके इमोशन से निकलता है। मान लो आपका हाथ किसी गर्म चीज को टच करे तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो कि जरूरी भी है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब कोई आपको इमोशनली हर्ट करने या उकसाने की कोशिश करता है। जब आप स्ट्रेस में हो या बहुत ज्यादा खुश हो तो आपका रिस्पॉन्स भी उस मोमेंट के इमोशंस पे डिपेंडेंट होता है। कई लोग इस हाई इमोशंस में बिना सोचे कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं जो वो पूरे नहीं कर सकते, या गुस्सा और दुख में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें फिर जिंदगी भर रहता है। वहीं रिस्पॉन्ड करना इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक थॉटफुल प्रोसेस है, जब आप सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनते हो, सिचुएशन को समझते हो और अपने इमोशंस को समय देकर कंट्रोल में रखते हो, तब आप ये डिसाइड करते हो कि आपका बेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए। क्या आपको चुपचाप रहना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, या सामने वाले को आराम से सोच समझ कर जवाब देना चाहिए? ये एक कॉन्शियसली लिया गया डिसीजन होता है जो आपको ज्यादा वाइज, मैच्योर, पावरफुल और रिस्पेक्टेड बनाता है। और कभी कभार ना, कुछ रिएक्ट ना करके आप सामने वाले पर्सन को साइकोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल पर मार देते हो। वो चाहता है कि आप कुछ रिएक्ट करो, लेकिन आप उसे मेंटली हरा देते हो, जैसे कि आप उसे सीरियसली नहीं लेते और उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्ड हमेशा वर्ड से देना जरूरी नहीं होता, इसीलिए आपको बस सिर्फ इतना सा करना है, चैनलाइज योर इमोशंस। अब देखो, चार तरह के इमोशंस होते हैं जो आपका रिएक्शन निकलवाते हैं। पहला गुस्सा, दूसरा डर, तीसरा खुशी, चौथा दुख। अब इन इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना आपके हाथ में है। मान लो आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, ब्रेकअप या रिजेक्शन फेस किया, तो आपका जो भी रिएक्शन होगा वो सब सैडनेस के इमोशंस पर होगा। पर ये आप पर है कि आप इस एनर्जी को किस तरह से यूज करते हो, कि आप इससे दुख में खुद को और बर्बाद करते जाते हो, या फिर इसे चैनलाइज कर लो कुछ अच्छा करने के लिए। अपने रिएक्शन को चैनलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स है। पहला, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। देखो और समझो कि किस सिचुएशन में आपका रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। दूसरा, टेक ए पॉज। जब भी रिएक्ट करने का मन हो तो बस एक मोमेंट के लिए पॉज लो और सोचो। तीसरा, डिटैच इमोशनली। अपने इमोशंस को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे आप किसी और की सिचुएशन देख रहे हो। चौथा, चूज टू रिस्पॉन्ड वाइजली। बस वो रिस्पॉन्स चूज करो जो बेस्ट और लॉजिकल हो। आपके इमोशंस और कुछ भी नहीं बल्कि एनर्जी है, जिसे आप जहां चाहे वहां डायरेक्ट कर सकते हो। इनका सही यूज करो और देखना कैसे आप और भी पावरफुल फील करोगे। तो कंक्लूड करके इसे एक बार पूरा समझा जाए तो, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक स्किल है जो आपको मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली स्टेबल बनाती है। कभी कभी दूसरे लोगों के उकसाने पर भी चुप रहना या वाइजली रिस्पॉन्ड करना ही आपकी रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर आपको कोई फिजिकल अटैक कर रहा है तब बात अलग होती है, तब आपको अलग रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन जब आपका कोई मुंह से या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब आपके पास ये पूरी पावर होती है कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपको उसके हाथों कंट्रोल होना है या उससे बिना छुए मेंटली मार के हरा देना है। ऑलवेज रिमेम्बर, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। साथ ही इसी के साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा सक्सेस सीक्रेट आज ही ज्वाइन करो, जो कि आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेगा। और अभी इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, जो कि जल्द ही हटने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।